एक कबूतरी है राइट साइड वाली और दूसरी भी लेफ्ट साइड वाली कबूतरी है, तो वो भी अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हुए, लेकिन ये हम रोटी के भोरे डाल रहे हैं और साथ जो ये डैजिक है अच्छा अभी भी का का कर रही है, और जो ये हमारी एक बबर शेरनी है ये अंडों में बैठी हुई है किसी जगह पे दिया कॉर्नर पे। तो फ्रेंड पिंजरा पूरा हमने पैक कर दिया ताकि जो हमारे बर्ड्स हैं इनको कुछ भी ना हो यार, इनको जब हवा लगती है या ये खाना पीना छोड़ देते हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं फ्रेंड। जब से मौसम चेंज हो रहा है तो बर्ड्स हैं हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, कबूतरों ने भी और मुर्गियों ने भी। मुर्गियों ने तो इतना नहीं किया लेकिन कल से हम बहुत ज़्यादा खप रहे हैं, कभी हम तरपाल लगा रहे हैं और कभी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट कर करके आपके लिए हमारा बुरा हाल हो गया, तो जो अब जाके जो कबूतर हैं वो थोड़ा बहुत फीड उठाने के काबिल हो गए हैं। अभी इनको रोटी के भोरे डाले हुए हमने, तो उनका ट्रीटमेंट अभी भी सुबह किले दिया था। किले सुबह आपने क्या दिया था यार? आप भी थके हुए हो, अभी हम लोग तरपाल लगा के आए हैं पूरी पिंजरे में। ये दिया राइजिक पानी में एक कप पानी में ऐड करके 5-5 cc आपने दे दिया था, तो ये इसने थोड़ा सा असर दिखाया। आप समझते हैं इसने असर दिखाया? बहुत ज़्यादा दिखाया। अच्छा ये देखें फ्रेंड जी, हमने ये यूज़ किया, इससे पहले हमने जो वॉमिटिंग हो रही थी वो उन्होंने वो नहीं की। अच्छा तो वकील कह रहे जो वॉमिटिंग थी वो भी स्टॉप हो गई है, और जो कबूतर दाना पानी जो भी खा रहे थे बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि ठंड की वजह से हमेशा ऐसा होता है जब इनको ठंड लगती है। और अभी हमने केज इनका चेंज किया हुआ, तो जो कबूतर हैं वो थोड़े से आपके लिए उदासी में चले गए हैं, वैसे फीड नहीं खा रहे जैसे अपने घर में इंसान खाता है। जैसे डाइट अपने घर में अगर इंसान खाना खाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, अपनी ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन किसी और के घर में जाके वैसे वो इंसान सुकून से नहीं खाता। तो इसी तरह इनका भी हिसाब है, ये वैसे नहीं फीड उठा रहे जिस तरह इनको खाना चाहिए। ये हमारा भी हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, 2-3 कबूतर ऊपर ही बैठे हुए, तो मैं पिंजरा खोल के दिखाता हूँ कि अभी इनमें से कोई भी अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। वो दो तो ऊपर बैठे हुए स्टूल के यार, एक कबूतरी है राइट साइड वाली और दूसरी भी लेफ्ट साइड वाली कबूतरी है, तो वो भी अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हुए, लेकिन ये हम रोटी के भोरे डाल रहे हैं और साथ जो ये डैजिक है अच्छा अच्छा ये मेरे ख्याल से 24 या 25 रुपए का था, तो ये हम लेकर आए थे मेडिकल स्टोर से, और साथ हमने और भी कुछ इनके लाइजर सिरप यूज़ किए बीच में, और डॉक्सीसाइक्लिन वो भी ऐड किया, पैनरोल सिरप भी बीच में ऐड करके दिया ताकि इनका जो फीवर है वो उतर जाए। और सबसे पहले तो हमने जो कि आपने सबसे पहले ये रेजिक यूज़ किया, उसके बाद आपने पैनरोल सिरप भी यूज़ किया था बीच में, पैनरोल यूज़ किया और पानी में डाल के। अच्छा क्योंकि हमारे कबूतर फ्रेंड वोमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उसके अलावा जो ग्रीन बीट हैं वो होती ना वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, जिनके ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की कर रहे थे, तो ये इसी वजह से करते हैं अगर इनका अंदर से इन्फेक्शन वो ख़राब हो जब वो हजम ना सही कर रहा हो। तो सबसे पहले हमने इनका हाजमा सेट करना है, तो हाजमा हमने रेजिक से सेट किया, उसके बाद हमने मेडिसिन इनको दिया, पैनाडोल नोमिडेट टैबलेट है और वो फ्लैचर सिरप, ये 3 चीज़ें हमने ऐड करके इनको दिया। तो बाकी अभी जो हमने केज का वो सेटअप लगाया वहाँ पे जाके जो केज को हमने कवर किया वो भी आपको जाके दिखाते हैं, इससे पहले कि आज मुर्गी ने अंडा दिया सुबह दिया था ये कितने बजे सुबह बोल बहुत रहे थे सुबह ये कोई 8 बजे। अच्छा 8 बजे दिया, वेरी गुड रानी मुर्गी, आप तो अंडे देना शुरू हो गई हो यार। अभी भी का का कर रही है, और जो ये हमारी एक बबर शेरनी है ये अंडों में बैठी हुई है किसी जगह पे दिया कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स हमने वैसे इसका बॉक्स वो बनाया लेकिन ये अंडा वहीं पे दे रही है कॉर्नर पे जहाँ पे बब्बर शेरनी बैठी हुई है। और अंगद साहब कैसे हो? जैसे ये बांग दे रहा है सुबह टाइम तो मुझे लग रहा है कि ये फ्रेश है, हमने वैसे इस पिंजरे को भी कवर कर दिया क्योंकि दिसंबर आने वाला है, तकरीबन 1 हफ्ते या 8 दिन लगेंगे तो दिसंबर का महीना आ जाएगा, तो वैसे भी ठंड है नहीं लेकिन तकरीबन आ गई है, बर्ड्स के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जिन बर्ड्स ने अकेले आपका वहाँ पर बैठ के क्या देख रहे हो तो आपके हिसाब से खा रहे सब लोग के सब कबूतर के नहीं चलो वो भी खा लेंगे यार। चलो ये मैं भी फिलहाल यहाँ पे आके केज बंद करता हूँ क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में, तो अगर वहाँ पे जाके ना इनको मैं पिंजरा दिखाता हूँ अपने फ्रेंड्स को कि हमने कितना कवर किया, तो यहाँ से भी हमने काफ़ी कवर कर दिया क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले आपने जो पिंजरे का हिसाब है वो देखना है कि आपका पिंजरा कवर होना चाहिए ताकि जो ठंड है वो बीच में बिल्कुल भी ना जाए। हेलो गोल्डी कैसी हो आप? गोल्डी ये गोल्डी फैमिली है, यहाँ पे अंधेरा काफ़ी है इसलिए मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की है, और यहाँ पे भी हमने पीछे ये चादर घर पड़ी हुई थी मैंने वो लगाई है। चलो अंदर, और इस जगह पे भी दूसरी साइड पे भी मैंने जो तरपाल है वो सेट कर दी है, यहाँ पे राजा रानी जो ये दो कबूतर हैं ये ठीक हैं बिल्कुल, और यहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ लगा दिया है ताकि जो ठंड है वो ना आए, क्योंकि जब ठंड आती है तो फ्रेंड्स बहुत बुरा हाल हो जाता है यार।
खुद का भी और बर्ड का भी, क्योंकि जब हम बर्ड को संभालते हैं तो हमारा ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। आपके ने सारे पिंजरों में सुबह डाइट डालनी थी, सुबह के हम छत पे हैं, तो जो व्लॉग है वो हमने इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि हम सब कुछ ये कवर कर रहे थे, सारी जगह तिरपाल लगा रहे थे। और यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह से लेकर अभी तक क्या काम किया। तो यहाँ पे कीने भी लॉक लगाया हुआ है, ये मैं खोलता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वेलवेट शीट लगाई है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा, यहाँ पे भी हवा, बैक साइड पे छोपर लगाया, छोपर के आगे फिर ये हमने डबल छोपर लगाया, बस के आगे फिर डबल ये चादर जो है ये लगाई हुई है। तो ठंड है, हम चाहते हैं कि जो केज में बिल्कुल हीट पैदा हो, जब केज में हीट पैदा होगी तो आप कह लें जो बर्ड है उसको ठंड हवा नहीं लगेगी। जब हवा लगती है तो सबसे पहले ये अपना हाजमा ख़राब करते हैं, और जब ये हाजमा ख़राब करते हैं तो फिर जब एक दाना ही हजम नहीं होगा तो ना रोटी हजम होगी, तो वो आपके लिए बहुत जो उनका वेट है वो डाउन होता है। जब वेट गिरता है तो समझ लें कि जो बर्ड है वो ज़ाया होने का चांस बन जाता है। अभी ये हमारा एक जो परिंदा है इस वाले बॉक्स में जो बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ढीला है इस टाइम, यानी कि लूज़ हुआ पड़ा है, तो ये हमने इसलिए इसको बंद किया हुआ है ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। यहाँ पर तो सिर्फ दो बच्चे हैं, ये मुझे लग रहा है अकेले हैंड फीड खवा रहा है इनको अपने हाथ से। मुझे लग रहा था कि इसमें कीने कबूतर बंद किए होंगे, लेकिन इन दोनों बच्चों को हैंड फीड हम करवा रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा, कील करवा रहा है। तो मुझे अभी उसने सुबह जिक्र किया था, तो मुझे लगा कि शायद उन्हें जोड़ा भी होगा, तो उसके माँ बाप हैं वो थोड़े से बीमार हैं, तो इसलिए हम उनको बच्चों के पास नहीं जाने देते, ताकि वो जब उनको डाइट देते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम इनको उनके बच्चों के पास छोड़ेंगे। और हमने बैक साइड पर भी ये जो शीट थी यहाँ पर लगाई है, अब हम चलते हैं थर्ड वाले केज में, वहाँ जाके भी देखते हैं कि वहाँ जाके जो हालात हैं वहाँ के कैसे हैं। तो इनको जल्दी से लॉक लगाते हैं और यहाँ से थोड़ी सी लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि अंदर कबूतर आराम से बैठे रहें। और जो हमने फ्रंट पे जो टावल है वो लगाया हुआ है, और ये वेलवेट की चादर है, और देखें अंदर बहुत कुछ लगाया हुआ है। यहाँ पे भी हमने वेलवेट की शीट लगाई है, ये भी कपड़ा हमने लगाया डबल करके, और वहाँ पे भी देखें पिंजरा पूरा हमने पैक कर दिया ताकि जो हमारे बर्ड्स हैं इनको कुछ भी ना हो यार। इनको जब हवा लगती है या ये खाना पीना छोड़ देते हैं तो आप यकीन करें मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता। मुझे पता है कि कल से मैं किस तरह वो टेंशन में हूँ, जिस तरह ये हमारे आपके लिए हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मुझे इतनी टेंशन है, मैं आपको आप यकीन करें मैं अल्फाज में नहीं बता सकता, मुझे इतनी इनकी जो टेंशन कल से लगी हुई है। तो घर वाले भी मुझे कह रहे थे कि आपने आप ऊपर ही अपना बोरिया बिस्तर वो गोल करते ऊपर ही लेट जाया करो इनके पास, तो मुझे इनकी साथ इतना लगा हुआ। तो एक दो बर्ड्स को तो मैं नीचे ले गया था स्टोर रूम में, तो वो काफ़ी सीरियस हालत में थे, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और इनके जो बेबीज़ हैं, एक ये बेबी पाल रहा है पीछे, जो ये बेबी पाल रहा है, और एक ये बैठा हुआ है ये वाला, ये इनका बेबी नहीं है, ये हमने किसी और पेयर का यहाँ पे अंडे इनके नीचे रख दिए थे, वो बच्चे निकल आए। तो अभी हम चलते हैं दूसरे केज में, और मेरी भी थोड़ी सी मुझे भी फ्लू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इनके पास नहीं आता, काम ही आता हूँ, अकेले आ रहा है, क्योंकि जब मैं मुझे फ्लू होगा और मैं इनको पकड़ूंगा तो इनको भी फ्लू कन्वर्ट होने का चांस बन जाता है। ये लॉक लगा दी, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स उनके पास जहाँ पे हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है कबूतरों का, और ये हम यहाँ से स्विच ऑफ करते हैं। और अकील आप चले गए हो नीचे, अकील की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि इसने एफर्ट बहुत ज़्यादा किया कल से, ये सुबह का आया बस 7-6 बजे का, और मैं आया था तकरीबन 10-9 बजे, तो ये काफ़ी सुबह का उठा हुआ है। तो पानी पिलाया आपने? नहीं अभी बस रखते हैं पानी। अच्छा जी, ये सारा पानी रखोगे? हाँ, गर्म करके लाया ना, उसमें वो हमने ऐड किया हाजमे वाला पानी, आपने बनाया नहीं था। अच्छा, वो हमने पानी एक सिरप हमने ऐड किया था, फ्लाजा सिरप था, नोमिडेट सिरप था, और तीसरा पैनारोल सिरप, वो हमने एक एक ढक्कन तीनों के लेके वो एक कप में ऐड करके अब उनका एक ढक्कन हमने इस पानी में ऐड किया इस कुजे में मिट्टी का। यहाँ से अकेले 5-5 cc इनको सबको पिला दिया, इनका ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, तो बाकी देखते हैं कि क्या बनता है इनका, तो कोशिश तो कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। उठा लो देखो यार, इन्होंने खाया भी है, वो थोड़ा सा खाया, अगर हम एक घंटे के बाद उठा रहे हैं शायद। हाँ, ये अभी रख दो यार, जितना भी क्योंकि जब ये खाएंगे तो इनकी जो वीकनेस है वो दूर होगी। पानी रख दें इसमें? हाँ पानी रख दो, इसमें मिक्स किया आपने एक ढक्कन? हाँ किया। चलो रख दो फिर, और पानी नीम का नमी ना। हाँ चलो ठीक है, फिर शाम को आके देखते हैं इनको 6-7 बजे। और फ्रेंड्स अभी इजाज़त दें, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और बर्ड्स के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ, और सर्दियों का क्या हल किया जाए मुझे समझ नहीं आ रही है। हालांकि हमने पूरा जो केज ऊपर से कवर किया हुआ है तिरपाल लगा के, और यहाँ पे भी देखें कितनी धुंध है, ये चेक करें।
तो ठंड तो काफ़ी है, लेकिन हमारे हमारे हिसाब से तो इतनी ठंड नहीं है, जिस तरह होता है ना जैकेट इंसान पहन लेता है वैसे ही नहीं है, लेकिन बर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं ये जिन्होंने कभी सर्दी देखी नहीं है, और जिन बर्ड ने सर्दी देखी हुई है पिछले साल की, वो इतने ढीले नहीं है, ये न्यू वो ब्रीड से न्यू बर्ड्स से, इस वजह से थोड़े से ज़्यादा इनको हवा लग गई है। तो अभी इजाज़त दें फ्रेंड्स, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।